नमस्कार दोस्तों, जय क्लासेस से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं यहाँ पे आज एक नए सेशन के साथ। 21 सितंबर 2020 की करंट अफेयर। उपदेश कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप सही 7 बजे लाइव हो जाए करो। यहाँ पे हिमांशु जी यहाँ गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए यहाँ आपके साथ। दिवेश कुमार गुड मॉर्निंग सर। देखिए जितना जल्दी आप जुड़ोगे लाइव आ जाए करो। आशीष रावत गुड मॉर्निंग सर, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए यहाँ हम लोग आपके सामने, रचना आर्या गुड मॉर्निंग सर। चलिए जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों, साथ ही साथ आप इसे फर्स्ट अपोल आपके साथ शेयर भी कर लिया करो, जिससे भी ज्यादा से ज्यादा इसका आपको और आपके दोस्तों को फायदा हो, राइट। तो यहाँ पे आप इसके साथ लाइव और शेयर। गीतांजलि भारती गुड मॉर्निंग सर। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी क्लास शुरुआत पहले सवाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या 20 सितंबर? क्लास शुरू कर दीजिए पहला सवाल का जवाब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है, आप इंपोर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, राइट है क्लास। यहाँ पे स्वच्छता दिवस देखिए क्या है सवाल, समझ में आ रहा होगा। जो समुद्र के तट हैं उन्हें साफ किया जाना, जैसा भी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों सर, चलिए गीतांजलि भारती गुड मॉर्निंग एंड आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे तटीय स्वच्छता दिवस की बात हुई है, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर है आपका सी, 19 सितंबर। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? 19 सितंबर। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, अपने पर्यावरण मंत्री हैं, राइट, अपने देश के यहाँ पे पर्यावरण मंत्री कौन है? क्लास ध्यान दीजिए, पर्यावरण मंत्री बताया हुआ था कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, राइट है क्लास। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी हाल ही में, मतलब यहाँ पे पहली बार भारत में इसे 8 बीच को साफ करने की बात हुई है, राइट। इससे क्या हुआ है, 8 बीच को साफ करने, जैसे मुंबई गोवा इन पे जो है 8 पॉइंट होते हैं, राइट, तो उन्हें साफ करने की बात भी हुई है इसके द्वारा, इस अंतरराष्ट्रीय दिवस को मनाने के साथ। और ध्यान रखना है इतिहास में पहली बार इसे मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, तो सही किसके द्वारा, तटीय द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट है क्लास। चलिए यहां पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, विमान वाहक पोत विराट अपने अंतिम सफर पर मुंबई से कहां तक के लिए रवाना हुआ है? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कोच्चि या गुजरात, रुपेश कुमार 2D। चलिए दोस्तों तो यहां इसका जवाब है आपका सही जवाब, रुपेश कुमार और बता दीजिए गौरी यहां पे चौधरी। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है गुजरात। कहानी सुन लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहानी क्या है, देखिए बात हुई है आपका एक IANS, क्या है विराट, ये क्या है जहाज, विराट कोहली की बात नहीं चल रही थी, इसकी बात चल रही है जहाज की। तो क्लास यहाँ पे ध्यान देना, विराट जहाज की जो क्वालिटी है ये क्या है, ये एक ऐसा जहाज है जिसने पहले तो इंग्लैंड की नेवी में काम किया था, राइट, और इसके बाद इसने भारत की नेवी में सेवा दी। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, एक ऐसा जहाज जो दोनों में सेवा दे चुका था, इंग्लैंड में भी और भारत में भी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 1957 तथा इंग्लैंड में, और 1987 से 2017 तक इसे कहां इस्तेमाल किया गया, भारतीय नौसेना द्वारा। तो इसमें आपको अंडरलाइन रखना है, यही विराट आपका आज के टाइम में अपने अंतिम पड़ाव पे अंतिम सफर कर रहा है, कहां से मेरे दोस्तों, ये है आपका भारत।
तो यहां आपका है गुजरात और यहां कौन है आपका मुंबई। तो देखिए इसे मुंबई से गुजरात ले जा रहे हैं क्योंकि यहां का जो व्यापारी है राइट एक श्री राम ग्रुप राइट क्लास, यहां पे आपका श्री राम ग्रुप इसने इसे खरीदा है किसे विराट जहाज को। क्लास याद रखना विराट जहाज को किसने खरीदा है श्री राम ग्रुप। बात सवाल पूछ लेगा जैसे अभी हाल फिलहाल का सवाल था कि संसद किसके द्वारा 2022 मनाई जा रही है तो वहां पे आंसर था टाटा ग्रुप ना कि अडानी ग्रुप राइट। और ना आपका कौन सा ना अडानी ग्रुप था और ना आपका एलएनटी ग्रुप। तो यहां ध्यान रखना वहां टाटा ग्रुप था और यहां कौन सा है श्री राम ग्रुप जो क्या कर रहा है इससे मुंबई से गुजरात ले जा रहा है किसको विराट जहाज को। इसने लगभग 38 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है किससे भारत सरकार से। तो दोस्तों इसे याद रखना बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। गुजरात का व्यापारी है या ग्रुप है श्री राम वर्मा तो इस श्री राम ग्रुप तो इसलिए यहां से इसे मुंबई से गुजरात लिया जा रहा है राइट क्लास। तो यहां डाउट आपके सामने नहीं आना चाहिए कि सर यहां पे कमांडो साहब पोची नहीं मेरे भाई आप ध्यान रखना यहां पे आपको इसका जवाब गुजरात ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चर्चा में रही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिंसबर्ग का निधन हुआ है वह किस देश से संबंधित है। क्लास बहुत हाईलाइटेड सवाल हो चुका है ये क्यों हो गया बताने जा रहा हूं इंग्लैंड कनाडा अमेरिका या न्यूजीलैंड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहां आपकी जस्टिस हैं क्लास ध्यान दीजिए जस्टिस कौन है रूथ बेडर राइट रूथ बेडर गिंसबर्ग ये किससे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों यहां पे इसका आंसर है उपदेश कमांडो 2D नहीं तो उपदेश का सी और गौरी चौधरी 3 का C। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही यहां पे इसका जवाब है 3 का C मतलब अमेरिका से वहां से बिलोंग करती है अमेरिका जिसे हम क्या बोलते हैं USA डोनाल्ड ट्रंप चचा के देश से ही बिलोंग करती है राइट। देखिए क्या हुआ अभी इन्हें हाल फिलहाल में कैंसर जैसी बीमारी हो गई क्या हुआ कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। देखिए चर्चा में इसलिए रही है अभी बॉलीवुड में इस पर कमेंट हो रहे हैं राइट बॉलीवुड में भी इस पर कमेंट हो रहे हैं बॉलीवुड अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की महिला के लिए रो सकता है लेकिन अपने देश की मतलब जो भी महिला शोषण बॉलीवुड के अंदर होता है उससे रिलेटेड अपवाद विवाद चला हुआ है तो आपको ध्यान रखना है ये गिंसबर्ग वहां से रिलेटेड थी तो आप याद रखोगे दोस्तों अमेरिका से राइट है। बता दूं ये क्या थी सेटिंग जज थी वहां आपसे यूएसए पे सुप्रीम कोर्ट थी जैसे अपने यहां सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही वहां पे होता है ये दूसरी जज थी राइट क्लास। और ये आपको मालूम ही है ये तो बता ही चुका चचा से रिलेटेड बहुत सारी बातें अमरीका यूएसए अब्राहम समझौता कराया था अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था अब्राहम समझौता यूएस ने क्या करवाया आपका अब्राहम समझौता के बीच में होता क्लास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए अब्राहम समझौते वाला सवाल पूछेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भूमिका निभाई इसी कारण इन्हें क्या मिल रहा है आपका नोबल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात बहरीन इजराइल इन तीनों के बीच में ये रिलेशन कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 से मिलते हैं। हाल ही में किसे यूएनपी 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में चुना गया आदिल भट्ट अली खान उदित सिंगल या इनमें से कोई नहीं। क्लास सवाल बहुत अच्छा है पर्यावरण की दृष्टि से जल्दी जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताया है यहां पे एज 87 नहीं मेरे भाई 17 ही है। चलिए अच्छा पिंटू राजपूत क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं यहां में यूएनपी क्लास 2020 में किसे यंग लीडर चुना गया तो देखिए यहां पे यंग लीडर्स की बात करूं और किसके द्वारा क्लास देख लीजिए यूएन द्वारा यूएन बोले तो यूनाइटेड नेशन यूएन बोले तो क्या है यहां पे यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी संस्था यू नो वेरी वेल पूरा वर्ल्ड संसद कहा जाता है इसे सही विश्व की संसद इसे ही कहा जाता है यूएन को। तो इसने क्या किया है भारत के उदित सिंगल क्लास ध्यान देना यहां पे उदित सिंगल हैं
और मात्र, हाँ सिंगल ही है, मात्र 17 वर्ष की एज इनकी, राइट। इन्होंने क्या किया है, ये पांच से आपका बाउल बन, साउल बनाते हैं। पांच से क्या करते हैं, साउल, साउल मतलब मिट्टी, हाँ बालू कह दीजिए, बालू, राइट। इन्होंने क्या किया, पांच की जो बोतलें होती है प्लास्टिक की, उन्हें बदल दिया इसमें बालू के रूप में। बात समझ में आ गई। इन्होंने अमरीका की, इसमें सॉरी न्यूजीलैंड की हेल्प ली थी आपके सामने यहाँ पे, इन्होंने उदित जी ने किसकी से हेल्प ली थी, न्यूजीलैंड की, क्योंकि भारत में तो ये प्रथा नहीं थी लेकिन न्यूजीलैंड में इसकी स्टार्टिंग हो चली थी। तो इन्होंने यहाँ न्यूजीलैंड की कंपनी से बात किया और पूछा कि भाई साहब मैं भी अपने भारत में पांच की बोतलों के साथ क्या करना चाहता हूँ, उन्हें मतलब बाउल के रूप में बदलना चाहता हूँ। तो दोस्तों बहुत हाईलाइटेड सवाल है, लिख लीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, अपने आप में इंपोर्टेंट सवाल, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ढूंढा है। पहली बार भारत के किसी इतने प्रतिभाशाली युवा को जिसने क्या दिया, पांच की बोतलों से बालू का निर्माण करा दिया, राइट। नेक्स्ट आना, हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 trillion प्रदान करने की घोषणा की, बांग्लादेश, जापान या पाकिस्तान। चलिए दोस्तों जल्दी बताना, आईएफसी यहां पे देखिए, आईएफसी ने किसे दिया, तो क्लास जरा बता दीजिए, नवीन कमांडो 4C। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं यहां पे, तो आईएफसी यहां इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट। तो इसका आंसर है यहां पे दोस्तों, किसने किसे $2 trillion, राइट, $2 trillion की देने की घोषणा की, तो वो किसे दी है दोस्तों, यहां पे भारत को, किसे दी है, भारत को, किसके लिए, कोरोना से इलाज के लिए, राइट। इन्होंने कहा है कि भाई साहब आप COVID-19 जैसी महामारी से आप क्या कर सकते हो कि यहां अपने देश में मतलब इलाज करा सकते हो लोगों का, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन उसने क्या दिया, $2 trillion से $2 trillion प्रदान किए, किसे, भारत को। देखिए क्लास भूलना नहीं है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है दो मतलब $2 trillion की बात हुई है, और रीजनी में दो किस पे पड़ता है, भारत, दो मतलब भारत, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, राइट। क्लास आईएफसी ये वर्ल्ड बैंक का ही अपने आप में एक हिस्सा है, बताया भी था वर्ल्ड बैंक अपने आप में पांच बैंकों का समूह है जिसमें से इसका एक हिस्सा आईएफसी भी है, राइट। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक पांच समूहों से मिलता बना हुआ है, ये ध्यान रखना अभी फिलहाल, गौरी चौधरी पांच का भी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों यहां पे आपके सवाल नंबर 6 से, किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए हाल ही में आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है, HDFC, ICICI बैंक, केनरा बैंक या SBI बैंक। गौरी चौधरी पांच का बी। चलिए दोस्तों छठे पे आ जाइए अब जल्दी जल्दी यहां पे, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा बैंक है आई लीड वाला, केनरा, HDFC या ICICI या आपका यहां पे दिवेश कुमार 6 का बी। देखिए दोस्तों हर जगह क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान रखना होगा, हर जगह ICICI बैंक नहीं है, यहां योजना चली है आई लीड 2.0, राइट। तो ये किसने चलाई है, इसका आंसर है केनरा बैंक। क्लास क्या हुआ यहां पे समझना, केनरा बैंक से रिलेटेड सवाल है, इसने क्या किया, ग्राहकों की सेवा विस्तार के लिए अपने यहां आई लीड 2.0 का विस्तार किया, और बता दूं आपसे इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में पड़ता है, कहां पड़ता है, बेंगलोर में, जबकि 1906 में इसका क्या हुआ है, गठन हुआ था, ध्यान रखना गठन हुआ था, और ए सी महाजन क्या है, इसके यहां पे सीईओ हैं, राइट। क्लास किसते हैं सीईओ, केनरा बैंक से, क्लास नजर आ गया होगा आपको, मुझसे ज्यादा तेज तर्राट हो रहे हो आज के टाइम में आप, AC, राइट, AC, CEO किसते, केनरा बैंक से। तो यहां से आप याद रख लेना कौन सी अपने ग्राहकों से सेवा विस्तार योजना चलाई इन्होंने, आई लीड करते, राइट। क्लास नेक्स्ट चलते हैं यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखिए जमीन जाटो। चलिए दोस्तों डाउट अपने जो भी हो प्लीज उसे लिख दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, मैं उसे श्योरली दूर करूंगा। नेक्स्ट मिलते हैं, किस राज्य ने, राज्य सरकार ने
हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? मेरी क्लास जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है महिला उत्कर्ष, राइट, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष, राइट, योजना। क्लास ये स्टार्ट की है अपने यहां पे, ऐसी योजना कौन कर सकता है? तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है गुजरात। सही जवाब क्या है? गुजरात। इससे सीएम कौन है? आपको मालूम है विजय रूपानी। और विजय रूपानी किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये भी आपको मालूम होगी, बीजेपी। अभी बीजेपी ने क्या दिया है हाल फिलहाल में, जो मोदी जी का बर्थडे था, सेवा भाव, राइट, तो सेवा दिवस सप्ताह के रूप में जिसे मना रहे थे, तो विजय दिवस जी ने क्या दिया, 1,00,000 रुपए का मतलब वो दिया बीमा, 1,00,000 रुपए के बीमे में इन्होंने क्या बोला, यहां पे इन्होंने बोला कि इसे हम 0% बीमा नहीं कहते, इसे लोन कह दीजिए। लोन क्या दिया इन्होंने, 0% दिया, एक ब्याज कितना है उसमें, 0% लोन दिया किसे, महिलाओं को। क्लास ध्यान रखना, किसे दिया यहां पे, महिलाओं को। आपका क्या दिया इन्होंने, ब्याज 0% ब्याज पे आपको क्या दिया यहां पे, लोन दिया। किसने? गुजरात सरकार ने। याद रखना किस सरकार ने दिया था, गुजरात सरकार से रिलेटेड कौन है, विजय रूपानी। तो विजय रूपानी जी ने अपनी ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 1,00,000 रुपए का ब्याज दिया, राइट, 1,00,000 रुपए में 0% ब्याज उसे कौन दे रहा, अगर ब्याज सर बैंक ले रहा है आपकी गुजरात सरकार, राइट। क्लास चलिए यहां पे ये चीज आपको याद कैसे रखनी है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मोदी पे बर्थडे की बात हो रही है, किसते बर्थडे की बात हो रही है, मोदी जी पे बर्थडे की, और मोदी से मतलब यहां पे आप ध्यान लेते हैं ना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, याद रहेगा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष या महिला कल्याण योजना भी इसका नाम दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आना क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाल ही में किस राज्य में अन्न उत्सव, तो आपका दिमाग देखिए, पहला ऑप्शन बड़ा खतरनाक है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। तो यहां पे उपदेश कुमार पंजाब, गुड, अल्ता गुजरात। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाइए, यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 डाल दीजिए, जितना बेवफाई में तजुबोदे हंसी तजुबोदे, पता चल रहा है मुझे क्यों, क्योंकि बात हुई है अन्न उत्सव की। क्लास अन्न के मामले में हमारे दिमाग में आता है गेहूं, और गेहूं में जो पहला नंबर है वो किसका है, यूपी का। लेकिन अगर उत्पादन प्रति सत्ता की बात की जाए तो फिर किसका नंबर आता है, पंजाब का। अब आपके समझ में आएगा, किसान तो पंजाब में, यूपी में और हरियाणा में, तो जब ये दोनों नहीं है चलो जी तीसरा हरियाणा लगा दो, नहीं मेरे भाई, जो आपका अन्न उत्सव है इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश, राइट, मध्य प्रदेश। बता दूं हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन एक टाइम दो साल पहले 2015 में आपका गेहूं, चना और मसूर, राइट, इन तीनों में पहली रैंकिंग भाई साहब ने ही ली थी, मध्य प्रदेश सरकार। और मध्य प्रदेश में कौन है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान सीएम कौन है वहां पे, सीएम कौन है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शिवराज सिंह चौहान, बताया भी था शिवराज सिंह चौहान क्या है, इससे सीएम है, राइट है। और शिवराज सिंह चौहान को हम क्या ऐसे याद रखते हैं, मामा जी, राइट, इसी ऐसे ही याद रखना दोस्तों। तो अन्न उत्सव जो मनाया जा रहा है वो कहां मनाया जा रहा है, ये भी आपका इसी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और इसमें गरीब बोलू, गरीब से मतलब जो उस राज्य से रिलेटेड जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ था उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया कि उन्हें भी राशन दिया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इससे मोदी जी पे बर्थडे पे, देखिए मोस्टली कल हिमाचल प्रदेश पढ़ाया था स्वच्छता कैफे, यहां पर मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं आपका अन्न उत्सव, और यहां पर आपको ये गुजरात महिला उत्कर्ष योजना, ये सब मोदी के बर्थडे पे हुआ है। नेक्स्ट आना क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाली दुपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? क्लास बताइए, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल, कौन सा हो सकता है मेरे भाई, पिंटू राजपूत आठवा जी, चलिए हो गया मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों, गीतांजलि भारती महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मेरे भाई, अगर बात करूं दुपहिया और तिपहिया प्लस यहां पे तिपहिया, लो जी तिपहिया हो गया आपका। इससे क्या है, ये बैटरी के व्हीकल हैं। पहली बात ध्यान रखना, कौन से व्हीकल हैं, बैटरी वाले, राइट, जैसे अपना ई रिक्शा। तो दोस्तों यहां पे इसे शुरू करने वाला आपका कौन सा स्टेट है, गुजरात। क्लास ध्यान दीजिए, यहां पे कौन सा स्टेट है, गुजरात। देखिए हुआ क्या है ये समझना, इस गुजरात में सीएम अभी बता ही चुका हूं विजय रूपानी। विजय रूपानी ने यहां पे घोषणा की कि जो भी आपका लेते 10th प्लस स्टूडेंट है, राइट, 10th स्टूडेंट है या वो ग्रेजुएशन में भी है और वो अपना क्या चाहता है, व्हीकल चाहता है, बाइक चाहता है, हाँ ऐसी स्कूटी, राइट, बिना जेरो वाली, आप ऐसे याद रखना बिना जेरो वाली। तो यहां पे जैसे आप बिना जेरो वाली मोटरसाइकिल चाहोगे तो उसके लिए सरकार क्या दे दी आपको, यहां ये क्या दे दी आपको, सब्सिडी दे दी उस पर, राइट। रूपानी भाई साहब ने कहा कि हम इस पे 20 रुपए सब्सिडी देने। तो यहां ध्यान रखना, ये योजना किसने स्टार्ट की है, गुजरात ने, ना महाराष्ट्र ने ना केरल ने, प्रिंस वर्मा बी थे। चलिए याद कैसे रखना, देखिए दोस्तों सीधा सीधा कह रहा है बिना वेयर वाली, क्योंकि बैटरी बैटरी वाले व्हीकल्स की बात हुई है और बैटरी वाला ये कैसा होता है, बिना वेयर का। तो इस वेयर से आपको याद क्या रखना है, गुजरात, बिना देर वाली की बात होगी तो क्या याद रखोगे, गुजरात। यहां पे गीतांजलि भारती, ये महाराष्ट्र वाली गलती अब मत करना, क्योंकि आपको क्या याद रखना है, कोहली सर ने बताया था क्या कि दोपहिया वाहन जो बैटरी से चलते हैं उनमें देर का सिस्टम नहीं होता, और देर से मतलब आप सीधा गुजरात तक पहुंच जाइए, यही एक रास्ता है कि सवाल में से जवाब उठा लीजिए। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 से मिलते हैं, एक वर्णित उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, रुमान आलम, देवेनेसा वेल्सा, मेला मजमूदार या अरुणधि रॉय, राइट क्लास। चलिए बता दीजिए इसका, गीतांजलि भारती। चलिए दोस्त सही जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए अब इस क्वेश्चन नंबर 10 का, सवाल में ही जवाब है, मैं कुछ नहीं करता यहां पर, असम से माहौल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट, यहां पे मिलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहां बात हुई है ए बर्निंग, राइट, ए बर्निंग ये क्या है, अपने आप में एक नोवल है जिसे हिंदी में बोलते हैं उपन्यास, इसके राइटर हैं दोस्तों यहां पे ध्यान देना सी मेधा मजमूदार, राइट, मेधा मजमूदार बोस बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, राइट, मेधा मजमूदार बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, इसकी हाल फिलहाल में ये बुक बड़ी चर्चा में रही है। अब किताब का काम हो रहा है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन तो अपने आप में लिख लो, स्टार बना लो, जो भी मर्जी वैसे कर लीजिए दोस्तों, सवाल पूछा जाना है। अब मुझे कैसे याद रखना है, देखिए स्टोरी क्या थी, अगर मैं इसकी कहानी बताऊं छोटी सी, एक मुस्लिम महिला है, मतलब वो थोड़ा सा अपने आप को डेडिकेट करना चाहती है अपने सपने अपने ड्रीम के प्रति, लेकिन उसका समाज उसका जो धर्म है ये इस चीज में बीच में आ रहा है, कुछ हिंदुजम और यहाँ पे मुस्लिमजम की इसमें महत्व है, मतलब किताब में डिस्प्यूटेड किताब थी, किसकी है ये ध्यान देना आपका, इसका ऑप्शन है मेधा मजमूदार, राइट, क्या नाम है ए बर्निंग, अब याद आएगा ए बर्निंग ट्रेन, राइट, मूवी भी आई थी, मूवी पे नहीं जाना मेरे भाई, अब इसे याद करना है कैसे, देखिए दोस्तों यहां पे बहुत प्यारा शब्द लिखा हुआ है मजमूदार, आप मजमूदार याद मत करो, आप इसे मजनू याद कर लो, मजनू, हाँ वही वाला जो दिल वाला आपका, ये ही मजनू, राइट। अगर सपोज करो इसकी यहां पे गर्लफ्रेंड किसी से बात करती है तो ये क्या करेगा, ये अपने आप में जलता है, तब जब इसकी गर्लफ्रेंड किससे बात करेगी, आप इस कहानी को याद कर लीजिए मेरे भाई, बर्निंग मतलब वो जलता है तब जब उसकी गर्लफ्रेंड मेघा, गर्लफ्रेंड का नाम भी देखो कितना प्यारा है यहाँ पे, गर्लफ्रेंड का नाम क्या है उसका, सपोज करिए यहाँ पे मेघा, तो जलने से मतलब किताब का नाम क्या हो गया, बर्निंग, मजनू से मतलब क्या हो गया, दार, राइट, मेघा मजमूदार थी, किताब कौन सी आई थी, ए बर्निंग आपको सामने लिखी हुई है मेरे भाई, ये किताब सिर्फ और सिर्फ एक कहानी से याद रह सकती है, वरना दुनिया भूलनी है, आप तो फिर भी बच्चे हो, राइट, क्लास किताब नहीं भूलनी, कैसे याद रखना है, मजनू है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, मेघा, जिससे वो याद रखता है, जलता है, जलने से मतलब बर्निंग। नेक्स्ट है ना,
जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पे विशेष संस्करण लॉन्च किया है। त्वर मुद्रा ग्रंथ, कमल संध्या, संवाद उपनिषद, अक्षर यात्रा, क्लास पिंटू राजपूत जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों, यहां जल्दी बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पे आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिवेश कुमार, यहां क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों, यहां देखिए जेपी नड्डा। अब यू नो वेरी वेल कौन है, ये प्रेसिडेंट हैं, किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा बीजेपी के, राइट, कौन, जेपी नड्डा जी। तो इन्होंने हाल ही में मोदी जी का 70वां बर्थडे बना है, राइट, इस पे एक किताब लॉन्च की है, या पहली जे उत्या दिया, एक संस्करण लॉन्च किया है, और इस संस्करण का नाम है दोस्तों कमल संध्या। इसका नाम क्या है, कमल संध्या, क्लास ध्यान रहेगा, इसका नाम क्या है यहां पे, कमल संध्या, देखिए याद कैसे करना होगा, राइट। जेपी नड्डा जी ने गिफ्ट दिया है किसे, मोदी जी को, मतलब उनकी पिछली एक साल की उपाधियों का कलेक्शन किया, तब मोदी जी को भेंट किया, किसने, जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा कौन है, बीजेपी के प्रेसिडेंट, और बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, यहां पे ध्यान रखना कमल, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल, तो कमल पे याद रख लेना, उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इसकी सूचना दी थी, जैसा फोटो में दिखाया जा रहा है कि भाई साहब ये किताब है, देख लीजिए, मैं इसे मोदी जी को आज केक काटते हुए बर्थडे पे गिफ्ट देने जा रहा हूं। कौन कह रहे हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट, चुनाव चिन्ह क्या है, कमल, कमल से याद रख लेना मेरे भाई, कमल संध्या, राइट है, भूलना नहीं है, सवाल इंपोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आइए यहां पर कमल संध्या के साथ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे व्यस्त स्टेशनों पर यूजर फीस वसूलेगा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। देखिए दोस्तों आपके साथ क्या होने जा रहा है, अभी जो रेलवे है, अगर आप इस पे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन पे हो, जैसे दिल्ली में राजीव, वो मेट्रो स्टेशन है, राइट, वो क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, राजीव मेट्रो स्टेशन पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो ऐसे स्टेशन पे, वो मेट्रो की बात चल रही है, दिल्ली में आपके दिल्ली वाला रेल स्टेशन हो गया, मुंबई में रेल स्टेशन हो गया, ऐसे रेलवे स्टेशन पे जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होगी वहां पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी यहां पे गौरी चौधरी बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, क्लास बहुत प्यार से बता चुका हूं कई बार, पिछले सवाल में बता दीजिए, रेलवे का चेयरमैन, भारतीय रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है, भारतीय, राइट, भारतीय रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है, नाम क्या है दोस्तों, यहां पे आपको नजर आ गया होगा, आप तो यहां आंसर है सी, वी पे यादव, यहां नाम क्या है, वी पे यादव, मतलब जो आपसे यूजर फीस वसूली जा रही, वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन सवाल ये बनेगा कि यहां पे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है। एनटीपीसी इस टाइप के एग्जाम में थोड़ा सा फोकस करना, और देखिए हो कुछ नहीं रहा, बात किसकी चल रही है, रेलवे बोर्ड की, और इसी वी से पता चल लीजिए इसका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव, पूरा नाम क्या है दोस्तों, विनोद कुमार यादव। आपको कुछ भी नहीं करना, आपके लिए कुछ भी नहीं है, अरे इस रेलवे में आपको बाद वाला वर्ड लेना है, यहां से विनोद कुमार, जैसे ही सवाल में पूछे कि विनोद कुमार या रेलवे चेयरमैन से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है कोहली सर ने बताया था रेलवे शब्द के सवाल में ही जवाब छुपा है, रेलवे से मतलब विनोद कुमार यादव, राइट के क्लास, डाउट मत करना, ऐसे ही सवाल होंगे, सवाल के अंदर जवाब अपने आप होता है, तो एक कहानी कोई वर्ड ऐसा होता है जो आपको याद दिला देगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारत की पहली स्वदेशी तकनीक IATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन किस मेट्रो द्वारा शुरू की गई, मुंबई मेट्रो, कोलकाता या अहमदाबाद मेट्रो या दिल्ली मेट्रो। चलिए दोस्तों 13वां क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने साफ है दोस्तों, यहां पे बात हुई है ITES, राइट, ये क्या है, एक तरह से ऑटोमेटिक, यहां पे आपका ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, राइट, ऑटोमेटिक,
अब यहां इससे समझ रहे होंगे ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन। देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इस ट्रेन का काम क्या है यहां समझते चलते हैं। पहली बात, ये अपने आप स्वतः क्या है, इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, और स्पीड क्या होगी, जहां जरूरत होगी वहां बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। एक तो स्पीड बढ़ जाएगी और दूसरा घट जाएगी। ऐसा पहली बार से तेहरा था आपका सी अहमदाबाद स्टेशन प्रिंस गोरी एंड यहां दोस्तों तेहरा का जवाब है जो मुझे पता है वो है डी, मतलब दिल्ली मेट्रो। और आपको यही याद रखना होगा, खास तौर से मेरे डीएमआरसी इंजीनियरों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पहली बार ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन का जो वो है, ऑटोमेटिक सुपरविजन का क्या है कि जो स्वतः अपनी स्पीड बढ़ा दे या स्पीड घटा दे, और दरवाजे जो हैं, मतलब जो इससे मेट्रो के दरवाजे हैं वो अपने आप, जैसे आज ओपन हो रहे हैं जी, अपने आप ही बंद होते हैं, वैसे थोड़ा स्पीड और मेंटेन करते हैं तो दुर्घटना ना घटे। ऐसी ही एक ट्रेन, और बिना परिचालक पे, बिना ड्राइवर पे आपका ये ट्रेन भारत में आने वाली है। और इसकी कहां पे शुरुआत होगी, दिल्ली मेट्रो पे, कहां पे शुरुआत होगी, दिल्ली मेट्रो से। तो आपको ये सवाल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों एक चीज बताता हूं आपसे, यहां पे दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड आपको कुछ स्पेशल ज्ञान। देखिए ये क्या है, डीएमआरसी, राइट, डीएमआरसी। तो आपको यहां बता दूं, इसकी स्थापना यहां पे 24 दिसंबर 2002 को पहली बार इसे चलाया गया था। ये सही फायदे में अटल जी का बर्थडे था 25 दिसंबर, उसी पे रेफरेंस में था, राइट। दूसरी बात, इससे जो एमडी, देखिए डीएम से ध्यान रखना, एमडी, एमडी कौन है डीएमआरसी के, तो एम से याद रख लेना मंगू सिंह। क्या याद रख लोगे, मंगू सिंह। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमडी, इससे निदेशक कौन है, मंगू सिंह, किससे, डीएमआरसी के। दूसरी बात, पहली बार ये कहां से कहां तक चली थी, तो ये ध्यान रखना शाहदरा, राइट, शाहदरा मेट्रो स्टेशन से इसे पहली बार रन किया गया था, राइट, क्लास मेट्रो स्टेशन से क्या किया इसे, मतलब रन किया गया था फर्स्ट टाइम। और दूसरा देखिए अब क्या होने जा रहा है, ये अपने आप में कंप्यूटराइज, टोटल इसे कंप्यूटराइज कह लीजिए, मतलब इसमें ड्राइवर नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, इस आईटीएस पद्धति में, आईटीएस पद्धति में आपका ड्राइवर नहीं होगा। और देखिए ध्यान रहेगा आपका डीएमआरसी, पूरा डिटेल बता दिया, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन है, मंगू सिंह, और ये येलो लाइन, हाँ येलो लाइन इसलिए दिखाई है, मुखर्जी नगर और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली की करीब 60% लव स्टोरी इसी लाइन पे, राइट। चलिए याद रखना, भूल मत जाना, दिल्ली मेट्रो स्टेशन अहमदाबाद कोलकाता नहीं लगाना। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लोबल आयुर्वेद समिट के 30 संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पैंडेमिक के दौरान आयुर्वेद के उभरते अवसर के विषय पर किया था। तो बताना है सेकंड थी, थर्ड थी, या फोर्थ या फिफ्थ। देखिए क्लास, इस पे लास्ट ईयर मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि उस टाइम आयुर्वेद से 2-3 सवाल थे, और उस दौरान मुझसे जो गलती से आंसर लगा था वो हर्षवर्धन लगा दिया था, जबकि इसका सही जवाब है आपका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। यहां कल आपकी ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने इस पे काफी काम करने के बाद अपडेट था, यहां मुझसे मिस्टेक हुई थी और वो मैंने यहां पे सुधार कर दी एक नए और बेहतरीन सवाल के साथ। देखिए इन्होंने पूछा है कि ग्लोबल आयुर्वेदी, तो इसका आंसर क्या है, दिवेश कुमार गोरी, यहां पे 14 का सी। चलिए दोस्तों आपका सवाल सही है, यहां पे फोर्थ समिट, राइट, यहां कितनी समिट है, ये चौथी समिट में आपका इसका आयोजन हो रहा है, तीसरा ग्लोबल, क्लास ध्यान देना, ग्लोबल आयुर्वेद, राइट, आयुर्वेद समिट। अब इसमें क्या हुआ है, अपने देश के उपराष्ट्रपति, नाम क्या है, एम वेंकैया नायडू, नाम क्या है दोस्तों, एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, राइट है, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये बात आपको मालूम होगी, ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। दूसरा, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका, क्योंकि सवाल में पूछा कौन सी सबमिट हुई है, राइट, कौन सी सबमिट हुई है, तो ये सवाल का जवाब मैं बता ही चुका, वेंकैया नायडू कौन से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, तेहरवे, वेंकैया नायडू कौन से उपराष्ट्रपति हैं, तेहरवे, और तो वो 1 और 3 कितना हुआ है, 4,
दिमाग लगा लेना, कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो क्या है, छोटा सा एक लॉजिक ढूंढ लो कि मैं इस सवाल को लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकता हूं। बस आपके दिमाग में सेट सवाल, इसके बाद जैसे ही पेपर में ऑब्जेक्टिव दिखेगा, दुनिया भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपसे सवाल गलत करा दे, याद पेपर में बैठ तो भी साथ आ जाएगा। कोहली सर ने याद आ था, एम वेंकैया नायडू कौन से हैं? 13वें राष्ट्रपति। 3 अरे कितना होता है 4, तो चौथी समिट का उद्घाटन हुआ था, राइट। लास्ट आना क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? फ्रांस, बेल्जियम, अर्जेंटीना या भारत? चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए, पहला स्थान फर्स्ट पोजिशन कौन से देश की है? अभी ये हाल फिलहाल में फीफा ने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार, राइट। यहाँ पे इसका आंसर प्रिंस वर्मा सी, अर्जेंटीना। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जवाब है आपका, चलिए बता दीजिए दिवेश कुमार, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब है यहाँ पे आपका बी। चलिए मैं ही बता रहा हूं, बेल्जियम, राइट। एट लास्ट यहाँ पे फीफा द्वारा जो फर्स्ट रैंकिंग है, फर्स्ट रैंकिंग किसे दी गई है? आपका बेल्जियम। जबकि हम लोग जो गलती करेंगे वो किसमें करेंगे? फ्रांस में। हम किसमें गलती करेंगे दोस्तों? फ्रांस में। हमें ऐसा लगेगा फ्रांस या अर्जेंटीना में से कोई सा एक जीतता हुआ है, जबकि ये गलती है। ध्यान रखना फ्रांस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, अब की बार बेल्जियम फर्स्ट फॉर्म पे है। और बेल्जियम कहां पड़ता है? यूरोप में। बेल्जियम कहां पड़ता है? यूरोप में। तो पहले नंबर पे तो बेल्जियम, हाँ सेकंड पोजीशन फ्रांस की है, और यहां बता दूं थर्ड पोजीशन ब्राजील की है, और चौथी पोजीशन आपका इंग्लैंड की हाल फिलहाल में दी गई है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना पहली पोजीशन किसकी है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान? आपका बेल्जियम की। गलती से भी फ्रांस मत चले जाना, क्योंकि आपको पहला फ्रांस ही नजर आएगा। ब्राजील और अर्जेंटीना और इंग्लैंड, इन सब का क्रम बता दिया, पहले पे बेल्जियम, दूसरे फ्रांस, तीसरे ब्राजील और चौथे पे इंग्लैंड। तो बेल्जियम याद रखना, राइट। एट लास्ट आज ये टॉप 15 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। कल हम फिर एक नए अपने करंट अफेयर के साथ आपसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कह लीजिए, यहाँ क्या है कि आप वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। इससे क्या होगा, जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है एक नए यूनिक मेथड के साथ जय क्लास के प्लेटफॉर्म पे, आपको क्या होगा वो चीज आसानी से एक इंजीनियर के तौर पे याद कराई जा रही है, राइट है। तो उन सब चीजों का रोजाना व्यू दीजिएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात सही 7 बजते 7, राइट। यहाँ पे 7 बजते 7 आप क्या जाए करो, यहाँ लाइव आ जाए करो, राइट एट लास्ट। क्योंकि फिर वही बात, यहाँ क्या है कि कंपटीशन में करंट अफेयर की लूट है, लूट सके तो लूट, बाद में पछताएगा जब कोहली सर की क्लास जाएगी छूट, राइट क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।